हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आलू और हरी मेथी से बनने वाली टेस्टी सब्जी की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान तरीका है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पे हम 2 बड़ी साइज की आलू लिए हैं, उसको हमने इस तरीके से आलू का छिलका छील के कट कर लिए हैं और उसको अच्छे से धो के लिए हैं। इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, बीच में एक बार आप चला लीजिएगा। और 2 मिनट बाद देखिए आलू का काफी कलर चेंज हो गया है, अब सॉफ्ट हो गया आलू। अब यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन अदरक, जिसको हमने दरदरा से पीस लिए हैं। तो इसमें लहसुन अदरक का मात्रा थोड़ा ज्यादा लीजिएगा तो मेथी की सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिए हैं, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 प्याज डाल दिए हैं बारीक बारीक काट के, तो बहुत ज़्यादा हमने प्याज को बारीक नहीं कट करे हैं, थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में रखे हैं। इससे क्या होगा ना, कच्चा फ्लेवर जो प्याज का जाएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। इसको 1 से 2 मिनट के लिए से ही भून लेना है, ताकि सारे मसाले हमारा सॉफ्ट हो जाए, प्याज और लहसुन। और साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे चम्मच जो है ना हमारा बहुत छोटी है, यहाँ पे मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मसाला डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो जब मसाला डालें ना, तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रख के, यहाँ पे हमने ली है मेथी, तो यहाँ पे हमने ढेर सारा मेथी ली है। मेथी को पहले धो लीजिएगा और फिर इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मेथी को धो लिए, बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा ना, फिर यहाँ पे मेथी हमने ढेर सारा लिए हैं, लेकिन ये जो पकेगी धीरे धीरे गलना शुरू होगी तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो अब इसको मैं चलाते हुए पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। देखिएगा मेथी धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मेथी जो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए पकाए हैं। देखिए मेथी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेथी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हम क्या करते हैं ना, ढक देते हैं ताकि मेथी अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, तो हमें 2 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, 2 से 1.5 मिनट के लिए। आप बीच में चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथी सॉफ्ट हो गई काफ़ी, बस हमें मेथी को इतना ही पकाना है और ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सूखा सूखा सब्जी बनाना है ना, तो आमचूर पाउडर ही डालिएगा। अब इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, बस गैस को बंद कर दीजिएगा 1 मिनट भूनने के बाद। अब सर्व कर लीजिए। तो ये देखिए टेस्टी सी सब्जी हमारी आलू और मेथी की बनकर तैयार है। ना कोई झंझट है, ना कोई परेशानी है, सिर्फ हमें 5 मिनट लगा है इसको बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।